तो बात है इन गर्मियों की। मैं घर पर बैठी बैठी अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी और देखती हूँ कि सबके सब वाटरफॉल घूम रहे हैं। तो मैंने भी उठकर अपनी अंतरात्मा को जगाया और बैठ गई। अपनी लैपी को ऑन करके सर्च करने ब्यूटीफुल वाटरफॉल नियर मी और मुझे कुछ ऐसा मिला। फिर क्या, हेलो बैग पैक कर लो। Enchanté. तो गाइस, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा भयंकर चंडीगढ़ में, और इस गर्मी को बीट करने के लिए हम चले हैं हिमाचल। और देखते हैं वहाँ का हमें क्या एक्सपीरियंस मिलता है और जैसा वेदर मिलता है। मेरे साथ चलिए आप। बस फिर अपनी रोज़ की ज़िंदगी की भागा दौड़ी को पीछे छोड़ते हुए हम निकल पड़े थे अपने अगले सफ़र के लिए। और ये ख्याल मुझे चैन से बैठने ही नहीं दे रहा था कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ का वेदर और व्यू कैसा होगा। सड़कों के फासलों को दूर करते हुए हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे कि रास्ते में आ गया ट्रैफिक जाम। ये रात में सफर करने वाली आदत ना यार, हमें सच में परेशान कर देती है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और इस वक्त बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, मगर सो नहीं सकते। लेकिन ये रात के सफर में भी ना जो व्यू होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मिलते हैं। अब जैसे ये चांदी देख लो, दिन में तो ये हमें नहीं दिखाई देता ना। और ये जो नेचर की लुका छुपी होती है ना, इन सब चीजों से आपको पता ही नहीं लगता कि सुबह के 4 बज गए हैं। और फिर बीच में अगर कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं तो यार दिल बड़ा दुखता है कसम से। तो बस इन सब चीजों को देखते देखते पता ही नहीं लगा कि कब सुबह के 4:30 बज गए और हम लोग पहुंच गए मैक्लोडगंज। वैसे दिन के अंदर और ब्यूटीफुल लगेंगे ना। तो ऐसा है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग इस टाइम पहुंचे हैं मैक्लोडगंज में। और अभी तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है जिसकी वजह से डायरेक्टली जाके अब सोने वाले हैं। और हमें भी इंतज़ार है कि सुबह उठ के यहाँ का जो व्यू है वो हमें कैसा दिखने वाला है। इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो फिर आराम करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को सुबह। और फिर अगले दिन की सुबह कुछ ऐसी दिखाई दी। और ऐसे व्यू के साथ बस एक कप चाय, कुछ ओल्ड सॉन्ग्स, ये पूरा माहौल बदल देते हैं।
नेचर की ब्यूटी आपकी स्ट्रेस से भरी जिंदगी से 2 या 3 दिन के लिए तो आपको राहत दिला ही देती है। वाटरफॉल पे टाइम काफ़ी हो गया क्योंकि कल काफ़ी लेट सोए थे जिसकी वजह से हम लोग तकरीबन इस टाइम 1 बज रहा है शायद 12:30-1 बजे इस टाइम रेडी होकर जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद शायद हमने रिटर्न वापस ही जाना है चंडीगढ़ क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई प्लान नहीं है। तो चलिए फिर मेरे साथ देखते हैं कैसा वहाँ का व्यू रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, आपको भी दिखाते हैं। ये इधर जाके होगी आगे, चल आ जा। तुझे पता है ना हम ब्लॉगर बंदे, हमें ब्लॉगिंग करनी है थोड़ी सी। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ तक ही आपकी गाड़ी जाएगी, इससे आगे सारा रास्ता आपको चल के कवर करना होता है। एक तो जून मंथ और सभी स्कूल्स की हॉलीडेज के कारण यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आए हुए थे अपनी फैमिलीज को लेकर। तकरीबन 10 मिनट्स का रास्ता कवर करने के बाद आप पहुंचते हैं इस व्यू पॉइंट पे। वो दूर, इतनी दूर हमें अभी चल कर जाना है। अगर गर्मियों के टाइम में एक अच्छी घूमने के लिए कोई प्लेस आप सर्च कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है। यहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं और अगर चाहें तो ट्रैकिंग भी अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए मैक्लोडगंज से ही बुकिंग हो जाती है और आपको गाइड्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम जून और जुलाई मंथ ही होता है, मगर ट्राई करें कि आप वीकेंड्स पे ना ही आए क्योंकि वीकेंड्स के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट होते हैं जिसकी वजह से आप प्रॉपरली अपना ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और हाँ, जो गलती हमने की वो आप लोग ना करें, तो जब भी यहाँ आएंगे अपने एक एक्स्ट्रा कपड़े साथ में कैरी करके जरूर लाएं। मंथ जून है लेकिन पानी इतना ज्यादा ठंडा है, इतना ज्यादा ठंडा कि आपको बता नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे थे कहीं बैठने के लिए अपने लिए जगह मिल जाए, लेकिन लोग इतने थे कि वो पॉसिबल ही नहीं था। I would.
काफी ज्यादा वेट करने के बाद भी वहाँ पे स्पेस ना मिलने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम रिटर्न ही हो जाते हैं और थोड़ा लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। भले ही हमें वाटरफॉल के पास स्पेस ना मिली हो बट यहाँ की जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप अकेले भी इन सब चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करें अगर क्लोथ्स की, तो काफी डिफरेंट टाइप का फैशन यहाँ पे आपको अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएगा। अगर आप आते हैं तो स्विमिंग पूल और भागसूनाग टेम्पल जरूर होकर जाएं। और हाँ, वापस जाने से पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ छोटा मोटा गिफ्ट तो ले जाना बनता है। और ये यहाँ की लोकल मार्केट है, यहाँ से आप बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं अपने घर। तो चलिए जी, टाइम की शॉर्टेज होने के कारण हम भी चले अपने घर। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है कूली नंबर वन, कूली नंबर वन। हाँ, मैंने भी लग रहा था। कूली नंबर वन।